आज हम मीटर क्विज कर लेते हैं। पिछली जो क्लास थी संडे वाली, वो हमने केवल और केवल सर्किट्स, हाँ मतलब व्हीटस्टोन का भी यूज किया, सर्किट से सर्किट सॉल्व किए। लास्ट में इनफाइनाइट सर्किट सॉल्व किए थे, पहले एक ही डायरेक्शन में इनफाइनाइट, फिर उसके बाद दो डायरेक्शन, तीन वाले पे हम नहीं जाते, टू डायरेक्शनल इनफाइनाइट। तीन वाला भी होता, ऐसे ही होगा, किसी एक पॉइंट से एंट्री दो कितने में पड़ा, फिर दूसरे से एग्जिट किया कितने से वो निकला है करंट, उसी हिसाब से देखा था। सुपर पोजिशन वाला काम वही करना था, ठीक है। अब आज हम शुरुआत कर लेते हैं मीटर ब्रिज से। मीटर ब्रिज जस्ट एक एप्लीकेशन है किसकी, व्हीटस्टोन ब्रिज की। और इसका जो मेन काम है वो मेनली, तो हम क्या मेजर करते हैं, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब उससे मेजर क्या करते हैं, ये बताओ। तो अनबैलेंस से मेजर हो, पर बैलेंसिंग एक बार में तो आप कर नहीं सकते हो, पहले तो चेक करना पड़ेगा बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, कैसे क्या है, वही सब कर रहे हैं। आओ ये मलाई है, मुझे लगता है आपके लिए दोबारा रखी हुई है, ये तो क्लास को आपको खिलाना भाई। भाई एक और इधर तो आओ, जानते हो ना। देखो अभी आरपीएस की शायद आज व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने ऐड देखी थी, तीन बच्चों का मुझे तो ढंग से नाम भी नहीं पता, आपको पता हो सकता है, तीन बच्चों के नाम आ रहे थे उसमें कि उन तीनों का अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th के साथ अपना एनडीए में सिलेक्शन हो गया। ऐसी अचीवमेंट इनकी, और ये काफी बड़ी अचीवमेंट है, क्यों लगा लो आप कहाँ थे, सैनिक स्कूल कुंजपुरा में थे ना, तो वहां जाने का मेन जो पर्पज रहता है बच्चों का वो यही रहता है, तो एक्चुअली ये तो उसमें बिल्कुल सफल हुए हैं। और वहां जो नहीं भी जा पाए, यहाँ भी आजकल तो बहुत क्रेज है एनडीए का, पहले क्या होता था फौजी, बस फौजी बनना है वो था, भर्ती देखने जाते थे लोग 10वीं 12वीं के बाद इस तरह से, लेकिन अब ऑफिसर बनने के लिए लोग लड़ने लगे हैं इस तरह का काम। और अगर मैं बात करूं जैसे आरपीएस स्कूल में, आपको पता होगा मनन, क्या वीकेंड स्पेशल एनडीए के लिए फिक्स कर रखा है कि नहीं, तैयारी के था ना कुछ ऐसा कि पेपर्स होंगे टेस्ट होंगे हर वीकेंड, एक दिन दो दिन तो उसमें लग ही रहे थे। तो आपने भाई कौन सी सर्विसेज चूज की, नेवी, इंडियन नेवी, देख लो आगे पता नहीं मिल पाए नहीं मिल पाए आपको, ढूंढोगे कहाँ है। कहाँ होगी आपकी ट्रेनिंग, तो कब से जाने का प्लान है, अभी तो सर फर्स्ट उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी, उस मेरिट लिस्ट में फिर हाँ फिर उसके बाद जो इंडियन आएगा। नहीं ये फिक्स है कि फाइनल है कि लगभग फाइनल है, लगभग फाइनल ही, ठीक है भाई। और कौन कौन बच्चा ये बताओ जो यहाँ बैठे हैं, कौन कौन एनडीए में जाना चाहता है, मतलब टेस्ट इंटरव्यू क्लियर हो ना हो एक अलग बात है आपकी, आपको मौका मिल जाएगी हाँ मैं तो इस लाइन में जाना चाह रहा हूँ, कितने ऐसे बच्चे हैं जो जाना चाह रहे हैं, एक वो तो दो तीन चार, देखो चार बच्चों का यही टारगेट है, तो भाई इनसे थोड़ी बहुत बात किया करो, ये कुछ दिन है शायद हमारे पास या पता नहीं अभी अभी तो इधर ही होंगे, स्कूल खुल गया आपके, चलो ठीक है, लॉकडाउन में ही अटेंड कर पाए, लेकिन अब तो स्कूल खुल ही गए। मिठाई कुछ बच्चों ने तो कल भी खा ली थी, तो खा ली कुछ तो डबल पोर्शन, तो आज अभी क्लास में बैठ रहे हो कि जा रहे हो, बैठो थोड़ी देर में मिठाई चलाते हैं, ठीक है। देखिए जो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो बच्चे कल इनसे नहीं मिल पाए थे, आए कल भी थे लेकिन फिजिक्स की कल क्लास नहीं थी, मैथ्स वाले बच्चे तो मिल लिए थे, जो नहीं मिल पाए कम से कम आगे आ भी नहीं रहे, वो सैनिक स्कूल में चले जाएंगे, वहाँ खुली गए इनके स्कूल, तो एटलीस्ट कुछ ढंग की बातें करना कि भाई किस तरह से, मतलब किस तरह से तैयारी की है या इंटरव्यू क्लियर किया है, कैसे किया है, कितने बच्चों ने रिटर्न एग्जाम दिया है एनडीए वाला, एक दो हुआ क्लियर, नहीं हुआ आपका, हाँ जी अंकेश, नहीं हुआ कोई नहीं, अभी तो एक ही तो अटेम्प्ट लिया है, अगली बार फिर से दीजिए आप दोनों का टारगेट भी है तो, ठीक है, थोड़ा इनके कॉन्टेक्ट में रहो, ये भी कुछ मदद करेगा। चलिए ठीक है, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं आगे।
मीटर ब्रिज पिछली क्लास में आप आए थे क्या? संडे वाली क्लास में थे यहाँ पे, सर्किट सॉल्व करने सीखे थे हमने। अब आज उसकी एक अनबैलेंस या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की हम एक एप्लीकेशन देख रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज भी बोल देते हैं। आपके भी काम आए हुए तो ट्वेल्थ के एग्जाम तो देने ही है, वो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आज कोई ऐसा टॉपिक भी नहीं है जो स्पेशली कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ही हो अलग से, ये तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक थ्योरेटिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है अगर आपको अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज देखना आता है। तो मीटर ब्रिज अपनी अपनी स्कूल लैब में कितने बच्चों ने देखा है? मीटर ब्रिज एक दो मतलब देखा है, यूं बताओ क्या आपने लैब में दोनों में डिफरेंस देखा है, पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज? पहचान लोगे कि ये तो पोटेंशियोमीटर और ये मीटर ब्रिज। जो मीटर ब्रिज होता है लगभग इस तरह का है, एक लंबा सा वुडन बोर्ड है। आपके भी स्कूल में लैब है तो सही होंगे, है ना, एक्सपेरिमेंट भी करवाते होंगे तो देखना जाके किस तरह का ये बोर्ड है। एक लंबा सा वुडन बोर्ड है, यूं रखा है यहां पे ऐसे दिखाया जा रहा है, इस पे कुछ थिक कॉपर स्ट्रिप्स होते हैं, थिक कॉपर स्ट्रिप्स। क्या टारगेट होता है थिक कॉपर स्ट्रिप क्यों लिए जाते हैं कहीं भी? क्या हो रेजिस्टेंस, हाँ, ताकि कनेक्टिंग वायर की तरह काम कर सके। ये जो है ये थिक कॉपर स्ट्रिप्स लगे हैं इस वुडन बोर्ड पे। देखो एक तो थिक का मतलब है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है और एक कॉपर मतलब रेजिस्टिविटी बहुत ही कम है। हम जानते हैं आर का फॉर्मूला हुआ करता है रो एल अपॉन ए, रो बहुत कम और एरिया बहुत ज्यादा, तो उस फॉर्मूले से पता लग रहा है कि आर टेंड्स टू जीरो। यानी कि ये जो पहली बात हमें पता ही होना चाहिए, लिख देता हूं यहां, ये जो आपके थिक कॉपर स्ट्रिप्स हैं दे एक्ट एज कनेक्टिंग वायर्स। अच्छा, अब ये दो गैप यहां छोड़े जाते हैं वुडन बोर्ड पे, ही एक लेफ्ट गैप और एक राइट गैप हो, तो हमने लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंग देख लिया। यहां पे यहां यहां लगा होता है एक मीटर स्केल, 0 से 100 सेंटीमीटर तक ये पूरा एक मीटर स्केल रहता है इस पे, ये 0 सेंटीमीटर मार्क इस तरह से पूरा रहेगा और लास्ट वाला जो मार्क रहेगा वो आपका 100 सेंटीमीटर। ये एक स्केल है, इस स्केल के ऊपर एक वायर होती है, ठीक है, मीटर ब्रिज वायर, वो एक अलॉय वायर होती है इस तरह की कॉन्स्टेंट एल्यूमिनियम इस तरह के मटेरियल से। ये वायर इसके ऊपर रहती है, वायर की लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर से थोड़ी ज्यादा होगी, नहीं तो ये बंद नहीं सकती। यहां जाके यहां ये थिक कॉपर स्ट्रिप पे आके अटैच होगी, यहां ये इस वाली थिक कॉपर स्ट्रिप पे अटैच होगी। इधर का एंड करेक्शन है ए और इधर का एंड करेक्शन है बी। अक्सर हम एंड करेक्शंस को इग्नोर करते हैं अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया हो, मतलब अगर कहीं कोई मेंशन नहीं कर रखा है क्वेश्चन में तो हम लेंथ कितनी मान के चलते हैं? 100 सेंटीमीटर। एंड करेक्शंस दे रखे हैं तो 100 प्लस ए प्लस बी, ठीक है। यहां पे कुछ स्क्रूज होते हैं जिनको आप लूज या टाइट कर सकते हैं और एक होता है बीच में स्क्रू जिनको आप लूज या टाइट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब कनेक्शन समझने हमें कैसे हमारे कनेक्शन होंगे, हम एक बनाएंगे अपना ड्राइविंग सर्किट। ड्राइविंग सर्किट तो बनेगा मीटर ब्रिज वायर के पास, ठीक है, हम एक बनाएंगे अपना ड्राइविंग सर्किट जो मीटर ब्रिज वायर के पास बाहर बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? एक स्विच, प्लग की, प्लग की देखी लैब में, एक देखी होगी एक सिंपल सी की है, उसमें बीच में ऑन या ऑफ होता है, है ना, इंसर्ट की जाती है। अच्छा, उसके बाद सुनो, अब यार ये पता है कितना इंपॉर्टेंट काम, कुछ साल पहले आईआईटी में ये मीटर ब्रिज पे सवाल आया, आते रहते हैं इस पे, लेकिन उसमें एंड करेक्शंस दे रखी है। अब भाई जिस बच्चे ने आज तक एंड करेक्शन यूज ही नहीं की, ना वो लैब में गया कभी देखा कि लेंथ तो ज्यादा है, तो एंड करेक्शन का यूज ही नहीं कर पा रहे कहीं, फिर वो गलत ही आंसर लगाएगा। ये देखो, इसके बाद हम यूज करते हैं एक बैटरी एलिमिनेटर। क्या होता है बैटरी एलिमिनेटर?
लैब में एक डिब्बा रखा रहता है, वो बैटरी को एलिमिनेट करवा के बैटरी का काम करता है। लैब में सप्लाई एसी होती है कि डीसी? एसी। हमारे घर में हर जगह वो जो एलिमिनेटर होता है ना, बैटरी एलिमिनेटर, आप उसको स्विच बोर्ड में लगाएंगे वहां तो एसी आए, लेकिन वो एसी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? डीसी में। उस पर दो टर्मिनल्स होते हैं बाहर आउटपुट लेने के लिए, एक रेड और एक ब्लैक। याद रखना होता है, रेड पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ब्लैक नेगेटिव। ठीक है, यार क्वेश्चन में रेड और ब्लैक ही दिखा दिया, आपको खुद पता होना चाहिए कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव। ठीक है, उसमें वोल्टेज आप कितनी भी ले सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, 10 यूं रहता है। हम अगर एक्सपेरिमेंट करें लैब में तो हमें कम से कम वोल्टेज पर करना चाहिए 2 वोल्ट, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, फालतू में करंट पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है, इसके बाद देखो, ये हमने यहाँ पे बैटरी एलिमिनेटर कनेक्ट किया, क्लियर, और इसको सीधा आपने यहाँ ये स्क्रू आराम से कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्टिंग वायर देखी होंगी लैब में, कौन सी होती कनेक्टिंग वायर? जिसके ऊपर कवरिंग होती है। देखो लैब में तीन तरह की चीजें हैं, ऐसे ऐसी तीन तरह की चीजें हैं। एक तो वो वायर जिस पर कोई कवरिंग नहीं है, वो तो नेक्ड वायर सी दिखती है सीधी, वो कनेक्टिंग वायर नहीं है। वो कौन सी वायर है? रजिस्टिव वायर। वो रजिस्टिव वायर है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसके कपड़े उतार दे तो वो बन के रजिस्टिव वायर, वो तो है जो है भाई, वो तो अलग से रहती है। कनेक्टिंग वायर कौन सी होती है जिसके ऊपर व्हाइट कलर की आपको कपड़े की इंसुलेशन दिख रही है, और एक और भी केवल व्हाइट कलर का होता है, वायर ही नहीं होती, वो तो रस्सी होती है कुछ भी कनेक्ट करने के लिए, है ना, कुछ बांधने के लिए इस तरह का। अब देखो इधर, इसके बाद सुनो, अब हमारा अरेंजमेंट क्या होगा, ये लेफ्ट गैप राइट गैप हम बनाएंगे यहां से, ये कौन सा गैप है? लेफ्ट। आप इसमें नॉन रेजिस्टेंस भी ले सकते हो, नॉन भी, ये कोई फिक्स ही नहीं। ये राइट गैप, एक इनमें से किसी एक गैप में नॉन रेजिस्टेंस आपको लगाना है जो आपको पता हो। क्या यूज करते हैं वहां पे? ना शंट, तो मतलब पैरेलल कनेक्शन होता है। यहां क्या यूज करते हैं ताकि मुझे नॉन रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू पता हो? मैं पूछ रहा हूँ यहाँ क्या चीज यूज करते हैं एक गैप में जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं बता सकूं? क्या रेजिस्टेंस बॉक्स देखा है में? उसमें क्या होता है सुनो, अब एक बार ध्यान से सुनो क्या होता है। अरे सुनो इधर भाई, उसमें कई कीज इंसर्ट कर रखी होती है, उनके नीचे क्या होता है सुनिए, ये एक रजिस्टर है 1 ओम, सीरीज में जुड़ा अगले से 2 ओम, सीरीज में जुड़ा अगले से 2 ओम, सीरीज में जुड़ा अगले से 4 ओम, दुनिया भर की चीजें लिखी रहती है। ठीक है, अगर आपने की को डाल दिया ना उसमें, तो आपने उस 1 ओम को शॉर्ट कर रखा है भाई, ये 1 ओम है और आपने की लगा दी, की तो एक मेटल वायर है, वो दोनों को टच कर दिया तो क्या 1 ओम रजिस्टर बचा हमारे सर्किट में? नहीं। अगला 2, उसमें की लगा रखी तो वो भी नहीं बचा। तो आपको मान लो सर्किट में 1 ओम रजिस्टर देना है, तो उस 1 ओम वाली की को निकाल दो, अब क्या ये शॉर्ट है? बाकी सारे शॉर्ट पड़े हैं, तो कितने रजिस्टेंस होगी? 1। आपको 3 ओम चाहिए, एक की निकाल दो और 2 की निकाल दो, उससे क्या होगा? ये दोनों कैसे जुड़े अंदर सीरीज में? एक वाली की निकाली वो शॉर्ट होने से बच गया, शामिल हो गया, अगली की निकाली वो शॉर्ट होने से बच गया, अगले सारे शॉर्ट पड़े। समझ में आ रहा है क्या? देखो सर्किट डायग्राम की बजाय इस तरह का डायग्राम लैब की फोटो खींच के दे सकते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन में तो बहुत देते ही इस तरह में, देखे होंगे आपने अपने स्कूल एग्जाम में या इस तरह के, उनमें केस स्टडी टाइप उसमें ना दे भी देते हैं इस तरह से फोटो खींच के, फिर आपको पहचानना होगा क्या है। तो यहां पे जो हम यूज करते हैं, यहां पे ये हम यूज कर रहे होते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, जिससे आप वैल्यू कैसे देखते हैं मैंने आपको बताया, कि इंसर्ट करके रेजिस्टेंस शामिल होती है कि निकाल के रेजिस्टेंस शामिल, निकाल के पूछे आपसे रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज में जुड़े हैं कि पैरेलल? सीरीज। क्या ये फिक्स है कि इसको राइट गैप में लेना? किसी भी गैप में ले सकते हैं। ये हमारे लिए एक नॉन रजिस्टर हो गया जिसकी वैल्यू हमें पता है। अच्छा, ये जो वायर यहां है, ये जो वायर यहां है, दिस इज यूनिफॉर्म रजिस्टिव, यूनिफॉर्म एंड होमोजेनियस रजिस्टिव वायर। यूनिफॉर्म का मतलब कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर जगह सेम है, होमोजेनियस मतलब मटेरियल चेंज नहीं हो रहा। ठीक है,
ये बच गया आपका एक और गैप, वहां वो रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी है, वो रेजिस्टिव कॉइल जिसकी की रेजिस्टेंस आप निकालना चाह रहे हो, है ना। ठीक है, मान लो ये रेजिस्टेंस R1 है, नॉन रेजिस्टेंस जो आप निकालना चाह रहे हैं, और जो नॉन रेजिस्टेंस है वो कितनी है R2। अब बताओ और क्या कनेक्शन करेंगे, एक बीच में जो मीटर से यहां। अब सुनो, गैल्वेनोमीटर कैसे लगाना होता है, सुनिए। आपने ये गैल्वेनोमीटर दिया, क्लियर है। गैल्वेनोमीटर में भी दो टर्मिनल्स होते हैं, अभी तो मैं वैसे सीधा ही दिखा रहा हूं, एक रेड और एक ब्लैक। परंतु गैल्वेनोमीटर में फर्क नहीं पड़ता कि करंट रेड से एंटर कर रहा है ब्लैक से, कारण गैल्वेनोमीटर में जो निडल है वो जीरो वाली लाइन बीच में होती है, तो वो इधर भी जा सकती है और इधर भी। हम करंट मेजर नहीं करते यहां से, हम केवल करंट को डिटेक्ट करते हैं कि वो जीरो है या नॉन जीरो। अगर एमीटर लगाते तो फिर करंट का ध्यान रखना पड़ता कि किधर से गिर, है ना। एक गैल्वेनोमीटर लगाया, ये यहां से यूं कनेक्ट किया। गैल्वेनोमीटर का दूसरा टर्मिनल किससे कनेक्ट करते हैं, जोकी। जोकी देखा है लैब में, कुछ नहीं, एक सिंपल सी रोड टाइप होता है, एक रोड टाइप होता है, उसमें आगे ना थोड़ा इस तरह से बना रहता है कि आप उसको वायर पे कहीं टिका सके, ये होता है, क्लियर है। देखो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमने वो जो भी जोकी को मैं जे से डिनोट कर रहा हूं उसको यहाँ टच किया, और ये देखना है कि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है या नॉन जीरो, बस यही देखना है। और वैसे इसका नाम है स्लाइड वायर ब्रिज, लेकिन हम स्लाइड ना ही करवाएं तो ज्यादा अच्छा है, कारण ये है ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाती है, ज्यादा बेटर होता है आप इसको उठा के रख के देखो, या स्लाइड करो तो हल्के हाथों से, स्लाइड करो तो बहुत हल्के हाथों से, इस तरह से होती है। पहले तो बताओ क्या कंस्ट्रक्शन पार्ट समझ आ गया है क्या, ठीक है। अब देखिए, मान लो आप इसको लेके घूमते रहे और जो बैलेंसिंग लेंथ आई, वो जो रीडिंग आ रही है, रीडिंग वो आ रही है एल सेंटीमीटर, वो है जब आई जी कितना है जीरो, एल सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ, बस और कुछ नहीं है मेरे पास। अब मुझे कैसे मैं निकालू यहां से आर ना आर वन, देखो हाँ ठीक है, ये लेंथ एल सेंटीमीटर, तो इधर वाली कितनी होगी, इग्नोरिंग द एंड करेक्शन, अभी मैंने एंड करेक्शन को शामिल नहीं किया, नहीं तो क्या होता, ये लेंथ एल नहीं, एल प्लस ए होती, उधर वाली हंड्रेड माइनस एल प्लस बी, समझ गए, एंड करेक्शन का जिक्र हो तो वो लेना ही, नहीं तो नहीं लेना। चले अब आगे बढ़े, अब एंड करेक्शन का जिक्र तो क्वेश्चन नहीं हो सकता है, लैब में तो ऐसे अब मेजर करते नहीं, वहां कैसे गायब करें फिर इस चीज को, दिक्कत वहां भी आएगी, आप तो एल और हंड्रेड माइनस एल कर रहे, फिर वहां कैसे ठीक करते हैं इस करेक्शन को। हाँ सही बोल रहे, बताओ, ठीक है। अगर एंड करेक्शन का इफेक्ट इग्नोर करना हो ना, एक बार अननोन रेजिस्टेंस इधर कनेक्ट करके निकाल दो, एक बार इधर और फिर उनकी एवरेज ले लो, एंड करेक्शन वाला इफेक्ट नलिफाई हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, मान लो ये जो रेजिस्टिव वायर है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए, मैं स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जो इसकी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी दैट इज रो, अगर इतने, अच्छा रो, अक्सर वैसे भी हम लेते भी कैपिटल ए से जी में। अब आप ये बताओ इतनी वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, अगर मैं इसको आर थ्री लिखूं तो आर थ्री कितना होगा, रो एल पाई ए। कोई सोचे यार सेंटीमीटर है, इसको मीटर बोल दो, वो अभी जरूरत नहीं है, मैंने किसी भी चीज की वैल्यू पुट नहीं की, समझ गए ना। इधर वाली रेजिस्टेंस अगर मैं कहूं आर फोर, तो आर फोर कितनी होगी, रो इंटू हंड्रेड माइनस एल डिवाइडेड बाई ए। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नजर आ रहा है, ये यू देखो, एक रेजिस्टेंस ये रही, एक ये रही, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, बीच में कनेक्टिंग वायर और नीचे ड्राइविंग सर्किट, ठीक है। एक बार तो ऐसा भी क्वेश्चन आया था, मुझे नहीं याद 10th में 12th में किसमें, कि मीटर ब्रिज या कोई और, लेकिन यू आ गया कि आइडेंटिफाई द मिस्टेक या कोई भी, कोई कहां करेक्शन है, बट क्या है इसमें ऐसे ही की ओपन है, तो ये की क्लोज होगी तभी जाके काम करेगी सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आपने तो ये बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज का था, वो दो दो से कनेक्ट, तो ये है इसका मतलब, वही हमें नीचे वाला नहीं, ये आप मैं अभी बनाता हूँ चार टर्मिनल। देखो भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज है भी कि नहीं वो चेक करते हैं,
कनेक्टिंग वायर पे एक टर्मिनल चलेगा, ये पूरी एक कनेक्टिंग वायर है। सपोज मैं इसको नाम दूं एक्स, क्या ये पूरी कनेक्टिंग वायर है? नहीं, ये टर्मिनल भी क्या है? एक्स। इसको मैं नाम दे रहा हूं वाई, ये टर्मिनल भी क्या होगा? वाई। बीच वाले वाई, बीच वाले को मैंने नाम दिया जेड, तो ये भी जेड और ये भी जेड, और ये आपका है जे। कुल चार टर्मिनल से बने ऊपर ऊपर के नेटवर्क में, एक्स वाई जेड एंड जे। एक्स कितने रजिस्टर से जुड़ा है? आर थ्री एंड आर वन। एक्स टर्मिनल कितने रजिस्टर से जुड़ा है? एक आर थ्री से, ये तो कनेक्टिंग वायर है और कुछ नहीं, आर थ्री एंड आर वन। वाई कितनों से जुड़ा है? आर टू एंड आर फोर। जेड कितनों से जुड़ा है? एक आर वन, एक आर टू और एक गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आर कुछ इसकी रेजिस्टेंस होगी। और जे भी कितनों से जुड़ा है? आर थ्री, आर फोर एंड आर जी। तो क्या ये दो दो तीन तीन अरेंजमेंट है कि नहीं? हाँ भाई बताओ, व्हीटस्टोन ब्रिज है, समझ आ गया सभी को? बैलेंस तब होगा जब आई जी आप कितना कर दोगे? जीरो। वो तो चेक ही करना पड़ेगा हमें इधर से उधर ले जाके, ठीक है। अच्छा, अगर आप उठाओ लगे इसको नॉर्मली स्लाइड करो, नॉर्मली इसको मतलब जोर नहीं देना उस पे, आप आराम से डिटेक्ट कर सकते हो। पहली चीज, एक चीज चेक कर लीजिए, एक बार एक एंड पे टच कीजिए निडल एक साइड से, दूसरे एंड पे टच करो निडल दूसरी साइड। अगर दोनों बार ही निडल एक साइड है तो फिर तो भाई हो सकता है कि आपको बैलेंस पॉइंट ना ही मिले, ठीक है, फिर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें। लेकिन अभी भी मानना कि बीच में है कहीं ना कहीं बैलेंस। क्या समझ आ गया यहाँ तक? अब देखो, जिस जगह नहीं बैलेंसिंग होगी क्या इक्वेशन बनेगी? मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो आमने सामने वालों का प्रोडक्ट इक्वल होगा। आर वन इंटू आर फोर कितना है? रो इंटू हंड्रेड माइनस एल अपॉन ए बराबर आर टू इंटू, ये कितना है? रो एल बाई ए। अब एक बड़ा फायदा ये होता है कि रो बाई ए तो कैंसिल हो गया, रो बाई ए कैंसिल होते ही ना एक आसान फॉर्म में आ जाती है इक्वेशन। आर वन इंटू इधर की लेंथ, कि मीटर में हो चाहे सेंटीमीटर में, कुछ भी हो अपने आप कट लेना सेंटीमीटर से, ये सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर कट जाएगी। आर वन इंटू इधर की लेंथ बराबर आर टू इंटू उधर की लेंथ, कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज में होता था आमने सामने का, बस उसमें सारे रजिस्टर लेते थे, यहाँ इधर का रजिस्टर और इधर की लेंथ, इधर का रजिस्टर और इधर की लेंथ। ये बेसिक इक्वेशन है किसी भी मतलब मीटर ब्रिज के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। आप ये रो रे पे मत जाओ, सीधा इस तरह से आप कीजिए। क्या निकालना था हमें, कौन सी वैल्यू? अब देखो आर वन आ रहा है, आर वन इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, तो आर टू इंटू एल और डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल, और इस तरीके से आप यहां से आर वन कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका अनबैलेंस्ड हो उसको बैलेंस करके और फिर हम चेक कर लेंगे। समझ आ गया ना? ये तो मतलब बेसिक काम है, इसको बंद कर दो गेट पे। ये तो बेसिक सा काम है जो एक मीटर ब्रिज करता है, अनबैलेंस को बैलेंस बना के अननोन रेजिस्टेंस करता है। अब आपके लैब में जब आप करते हो 12th क्लास में, तो मीटर ब्रिज के तीन एक्सपेरिमेंट है, एक तो अननोन रेजिस्टेंस निकालना, दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला वेरीफाई करना, और तीसरा पैरेलल का। किए हैं वैसे किसी ने? है आसान था, तो बहुत बड़ा काम नहीं है ये। इनके रूप में ना एक 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 वायर होती है, केवल एक वायर होती है, केवल सिंपल सी वायर और कुछ नहीं होती। एक बार एक कनेक्ट करके आर वन निकालो, उसको हटाओ, सुनो इतना आसान काम सुनिए, एक कनेक्ट करके आर वन निकाल दिया, हटाओ उसको, दूसरी कनेक्ट करके आर टू निकालो, उसको भी हटाओ। अब दोनों वायर को इस तरह ज्वाइन कर दो, एक के एंड से दूसरा एंड, ये बच गए दोनों, ये दोनों इससे कहां कनेक्ट करें, एक इधर और एक इधर, ये सीरीज में लगेंगे पैरेलल सीरीज में, उससे ये आर निकाल लो बैलेंसिंग लेंथ लगे, और वहां से वेरीफाई करो कि क्या अब जो आ रहा है वो आर वन प्लस आर टू है कि नहीं, ठीक है। आर वन आर टू, चौथा काम क्या करना है, दो वायर है उनको यहां से तो हटा लो, पहले एक यहां कनेक्ट करो और फिर दूसरी भी यहां, दोनों ही। अब वो किस में लगी है? पैरेलल में लगी है। पैरेलल होने के बाद फिर आप अब नई बैलेंसिंग लेंथ निकालो, और उसके बाद फिर से देखना होगा कि अब जो आ रहा है वो आना चाहिए आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। मीटर ब्रिज पे तो यही आसान आसान एक्सपेरिमेंट आपके हैं 12th में।
अच्छा ये जहां तक आया समझ में। अब कई बार क्या होता है जैसे सवालों में आता हूं, उससे पहले एक और बात, मीटर ब्रिज पे बैलेंसिंग कहां अच्छी मानी जाती है, बीच में या साइड में? बीच में। क्यों, उसका क्या फायदा है? साइड में अगर बैलेंसिंग है तो गलत आंसर आएगा। बीच में की साइड में? बीच में। बीच में मोर सेंसिटिव हो जाते हैं। नहीं मेरे को ये बताओ इसका मतलब क्या है, मोर सेंसिटिव हो जाता है बीच में? मीटर ब्रिज के बारे में पूछा जाए आपसे कि बैलेंसिंग एक तो बीच में आई है और एक साइड में आई है, तो कहां आंसर सही मिलेगा अननोन रेजिस्टेंस का और कहां गलत मिलेगा? कहां से कैसे सुनो, ध्यान से सुनो, अगर आप बहुत अच्छे रीडर हो, अगर आप बहुत अच्छे रीडर हो मतलब लैब में आप एग्जैक्टली देख रहे हो कि कहां है बैलेंसिंग, तो आपके लिए बीच में और जिस साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर देखो लैब में कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्वेशनल मिस्टेक्स होती है, वो पता नहीं कहां है बैलेंसिंग, उससे रीड करना पड़ता है स्केल से, उसमें गड़बड़ हो जाती है थोड़ी बहुत, तीन ऊंचे खड़े उस साइड से देख रहे हैं इस साइड से आते तो यही उल्ट हो जाते सारे। अगर बीच में बैलेंसिंग है और आपने हल्का सा एरर भी कर दिया रीड करने में, किसको रीड करोगे आप? एल को। एल को रीड करके आप कैलकुलेट क्या करोगे? आर। आर से फंक्शन ऑफ एल। एल में अगर कुछ जरा सी मिस्टेक आई वो मिस्टेक आके प्रोपेगेट होगी कैलकुलेशन में, और किसमें मिस्टेक आनी? आर में। अगर आपके बैलेंसिंग 35 से 65 के आसपास है, 35 से 65, तो एल में अगर थोड़ा सा एरर आता है तो आर वन में बहुत ज्यादा एरर नहीं प्रोपेगेट होता है कैलकुलेशन में। 35 से उधर या 65 से इधर बैलेंसिंग है और वहां आपने 1 सेंटीमीटर गलत रीड कर लिया, तो आर की वैल्यू में कैलकुलेट करने के बाद ज्यादा फर्क दिखेगा, वो बिल्कुल ही मिनिमम इफेक्ट तब दिखता है, मतलब मैक्सिमम एक्यूरेसी तब दिखती है जब बैलेंस पॉइंट एग्जैक्टली कहां है, मिड में। क्लियर है? अब इसको इसको कैसे कैसे हम बताएं इस चीज को, मान लो एक क्वेश्चन ही आ जाए कहीं पे, तो आपको ना एक चीज निकालनी होती है ये एक्यूरेसी दिखाने के लिए, मैं थोड़ा बहुत इसको मिटाता हूं। एक चीज निकालनी होती है जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर इन आर वन पर यूनिट एरर इन एल। आप रीड क्या कर रहे हो यहां से, आप रीड क्या कर रहे हो बताओ? ना ना अननोन रेजिस्टेंस रीड नहीं होती, वो तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप रीडिंग किसकी ले रहे हो यहां से? एल बैलेंसिंग लेना। एल में आपने कुछ एरर किया उसके कोरस्पोंडिंग परसेंटेज एरर की वजह लेता हूं फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर परसेंटेज एरर की बजाय मैं लिख रहा हूं फ्रैक्शनल एरर। मैंने किए ये कुछ पैरामीटर लिखा है, एक और बताओगे मैथमेटिकली क्या है? फ्रैक्शनल एरर इन आर वन का मतलब है डी आर वन बाई आर वन पर यूनिट, क्या लिखूं इसको? डी एल बाई एल। बस 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 बाई कुछ नहीं है, ये क्या है डी एल बाई क्यों एल क्यों आ गया? क्या मैंने यहां लिखा है पर यूनिट फ्रैक्शनल एरर? क्या मैंने ये लिखा है कि पर यूनिट फ्रैक्शनल एरर? अगर मैंने लिखा होता फ्रैक्शनल एरर इन एल तो हम लिखते डी एल बाई एल, समझ रहे हो? अभी पर यूनिट एरर का मतलब है डिवाइड बाई किस से करना होगा? डीएल से। भाई इसका मतलब समझो आप ध्यान से, अगर आपको यही चीज आपके एग्जाम में आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में सवाल आ जाए कि शो दैट द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम मीटर ब्रिज इज मैक्सिमम व्हेन द बैलेंस पॉइंट इज एट द मिडल ऑफ द वायर, तो कैसे प्रूव करके आएंगे? कैसे प्रूव करके आएंगे? तो आपको ना कोई ऐसी चीज निकालनी होगी। देखो भाई हम मान के चलेंगे ह्यूमन बींग के थोड़ी सी मिस्टेक तो ऑब्जर्वेशन में होगी, हमने माना कि हल्की सी मिस्टेक एल को रीड करने में हुई और उसको कितना बोल दिया हमने डीएल। उस डीएल मिस्टेक के कारण जब आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो
कुछ एरर उसमें भी चला जाएगा। उसमें जो फ्रैक्शनल एरर हो रहा है वो कितना है, डी आर वन बाई आर वन। मुझे ये इस तरह की कोई चीज मिनिमाइज करके दिखानी होगी, ये कब मिनिमाइज है, कैसे बता गया है। अगर मैं खाली लिखूं डी आर वन बाई आर वन एरर मिनिमम करते हैं, तो आपने एल को तो कंसिडर नहीं किया भाई, वो उसके रिलेटिव एरर है ना भाई, वहां कुछ गलती हो रही तो उससे कितना एरर है। तो अगर आपको ये चीज वेरीफाई करनी हो तो ये निकालना पड़ेगा। अब ये कैसे निकालेंगे, इसकी इक्वेशन बनी पड़ी है हमारे पास, आर वन इंटू हंड्रेड माइनस एल इज इक्वल टू आर टू इंटू एल। मेरे पास ये इक्वेशन है, आर वन इज इक्वल टू आर टू इंटू एल अपॉन हंड्रेड माइनस एल। इधर वेरिएबल कौन है, इधर एक ही चीज वेरिएबल है एल, आर टू तो फिक्स है, और इधर वेरिएबल कौन है आर वन। ये मेजर्ड वैल्यू है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू, समझ गए। अब एरर कैसे निकालें, ये एक साइड मेजर्ड वैल्यू एक साइड कैलकुलेटेड वैल्यू, इसको मैं आगे बढ़ता हूं। इससे मैं ये वाली टर्म निकालना चाहूंगा, इससे ये वाली टर्म। अब कैसे करके ले लीजिए, सपोज मैंने लॉग लिए दोनों साइड पे, एक बार लॉग लेने से आसान हो जाता है। एल एन आर वन ए इंटू बी बाई सी का लॉग लोगे तो हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी, पता है क्यों नहीं पता है ये तो। लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। यह आपका आया एल एन आर टू प्लस एल एन ऑफ एल और प्लस एल एन ऑफ हंड्रेड माइनस एल। इधर वेरिएबल आर वन है, उधर वेरिएबल एल है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एल, एल के रेस्पेक्ट में आपने दोनों साइड डिफरेंशिएट किया, तो एल एन आर वन का क्या हुआ, लोग आर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई आर। तो एल एन आर का होगा वन बाई आर इंटू डी आर वन बाई डी एल। अरे समझ आ रहा है कैसे किया है, एक बार पता हो जाए कभी इसी में कंफ्यूजन हो। एल एन आर वन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एल, पहले आर वन के रेस्पेक्ट में कर दो, वन बाई आर वन आ गया इंटू आर वन का एल के रेस्पेक्ट में, चेन रूल ऐसे ही होता है। आर टू एक कॉन्स्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो। एल एन एल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एल, वन बाई एल इंटू डी एल बाई डी एल वन माइनस हंड्रेड माइनस एल का क्या होगा, वन अपॉन हंड्रेड माइनस एल इंटू डी एल डी एल वो प्लस हो जाएगा। समझ आ रहा है, क्या ये वही चीज है जो हम निकालना चाहते हैं, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी डिटरमाइन करती है ये चीज, यही एक्यूरेसी होती है, जितनी ये वैल्यू कम होगी उतना ही ज्यादा एक्यूरेट सर्किट, ठीक है। ये हमारी एक्यूरेसी है जो हम निकालना चाह रहे हैं, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। इसको मैं एक्यूरेसी ए से डिनोट कर लेता हूं, एलसीएम आपने लिया एल और हंड्रेड माइनस एल, ऊपर क्या आया हंड्रेड माइनस एल प्लस एल, ओनली कितना आया हंड्रेड। आप इस चीज को मिनिमाइज करना चाहते हो, मैक्सिमाइज मिनिमाइज, इसको मिनिमाइज करें तभी तो ये चीज एक्यूरेसी मैक्सिमम होगी, ठीक है। मुझे ये चीज मिनिमाइज करनी है, ये मिनिमाइज करनी है, ऊपर तो फिक्स है तो डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, क्लियर है ना। देखो अब इसमें आगे दिस थिंग विल बी मिनिमम इफ ये जो पैरामीटर है ये क्या हो जाए मैक्सिमम, इसको x मान लो, x बराबर 100 इनटू l माइनस l स्क्वायर। मैक्सिमम मिनिमम क्या कहता है, अगर आप x को मैक्सिमम करना चाहते हो तो dx by dl निकालो, कितना आया 100 माइनस 12। एक बार डबल डिफरेंशिएशन भी कर दो क्योंकि यू भी पता लगे मैक्सिमम हुआ है, डी स्क्वायर एक्स वाई डी एल स्क्वायर कितना आ रहा है माइनस टू। अरे समझ, अब
अगर आप इसको जीरो करते हो तो बताओ एल कितना आया? 50 आ गया। अब ये कैसे बताएंगे यहां मैक्सिमम है ये चीज या मिनिमम? डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गया? नेगेटिव। डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव का मतलब कि ये चीज क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, अब अगर ये मैक्सिमम है तो जो एरर का चांस था वो मिनिमम हो गया, यानी कि एक्यूरेसी सबसे ज्यादा है। तो ये प्रूव हो गया यहाँ पे, समझ आ गया है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, आधी बार तो प्रूव करना तो बहुत दूर की बात, बच्चे इसका मतलब ही गलत तरीके से ले जाते हैं, उनका दिमाग इस तरह से चलता है कि भाई बीच में अगर आया है तो ठीक रिजल्ट है, साइड में आया है तो गलत है, कनेक्शन गलत है ना। ऐसा कुछ नहीं है, साइड में भी अगर आप सही रीड कर लेते हो तो क्या कोई दिक्कत है R1 कैलकुलेट कर देने की? दिक्कत कब है? जब आप रीडिंग में कुछ क्या कर रहे हो, एरर, रीडिंग में कुछ मिस्टेक कर रहे हो। तो फिर अब इसका मतलब क्या बनता है? 50 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग थी, आपने गलती से 51 रीड कर दी, एल में कितना एरर किया आपने? 1 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पे बैलेंसिंग थी, आपने गलती से 21 रीड कर दी, एल में कितना एरर? 1। एल में तो सेम है, समझ गए। अब जब आप आर कैलकुलेट करोगे ना, आर कैलकुलेट, जब जहां आपने 50 में बैलेंसिंग देखी वहां अगर R1 की एग्जैक्ट वैल्यू मान लो 10 ओम थी तो कैलकुलेट होके 10.1 कुछ ऐसा ही आएगा, मतलब थोड़ा बहुत ही। लेकिन यहां जहां आप 20 पे बैलेंसिंग करवा रखी है आपने, वहां अगर आप 20 पे 21 रीड कर गए ना तो 10 का पता नहीं 12 ओम 13 ओम पे चला जाए या 8 ओम पे चला जाए। क्या इसका मतलब आया है? समझ में क्या मतलब? ये जो प्रोपेगेट होके जाएगा एरर, उस पे क्या फर्क डाल रहा है, ये होती है एक्यूरेसी। ठीक है, अब देखो मैं फिर आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने बच्चों को ये पता था कि हाँ एक्यूरेसी मैक्सिमम तब है जब मिडल ऑफ द ब्रिज पे होता है, क्योंकि बता रहे थे कई बच्चे। ठीक है, पता था। दूसरी बात, अब ईमानदारी से ही बता ना, इस एक्यूरेसी मैक्सिमम का मतलब पता था कि नहीं, कि क्या मतलब है एक्यूरेसी मैक्सिमम होने का? क्या मतलब है कि एल में कोई रीडिंग में एरर कर रहे हो तो उससे कितना एरर प्रोपेगेट हो रहा है? और फिर तीसरी चीज, ये प्रूफ नहीं कर रखा था, तो ये तो देख लीजिए, नोट कर देने, जो आप अपने हिसाब से नोट भी कर सकते हैं। लेकिन एक अच्छा सवाल है, मतलब मीटर ब्रिज पे नहीं छोड़ दो आप कैलकुलस में कभी भी लॉग लिखते हो, हमेशा लॉग टू द बेस ई ही चलता है। अगर आप एलजेब्रा में कहीं लॉग लिखते हो, कुछ नहीं लिखा है, तो लॉग टू द बेस 10 चलता रहता है। कैलकुलस में खाली लॉग का मतलब ही क्या देते हैं, बेस कितना है, ई। ठीक है ना, चलें मीटर ब्रिज पे आगे बढ़े। अब ये जैसे ये वाला जो सवाल है, ये प्रूफ इस तरह का बोर्ड में अगर आ जाता है तो वो नहीं होने वाला है ज्यादातर बच्चों से, क्योंकि ये बात अक्सर बस रट के जाते हैं कि हाँ क्या होता है क्या नहीं। देखो मीटर ब्रिज में आपको ये पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कनेक्शन करने से बैलेंसिंग लेंथ कम होगी या ज्यादा होगी। कई बार ये चीज बहुत दिक्कत देती है, वहां लिखा होगा पहले बैलेंसिंग लेंथ था 45 पे, अब बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट होगी 2 सेंटीमीटर से, अब यूं नहीं पता लगता वो 45 से 43 लेके जाना है या 47। ये कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, सुनो। ये आपका नॉन रेजिस्टेंस है, अननोन वाला बना रखे मीटर, ये अननोन है, ये आपका नॉन वाला जो फिक्स है R2, ये मीटर ब्रिज वायर, और इसके नीचे बस मैंने सीधा बना दिया, बीच में आपकी मीटर ब्रिज वायर है इस तरह से। सपोज यहां से गैल्वोमीटर बैलेंसिंग दिखा रहा था किसी भी लेंथ L1 पे, या आपका रेजिस्टेंस R1, R1 R2 दोनों अननोन है मेरे लिए, R1 R2 दोनों अननोन है। सवाल आ जाएगा कि भाई पहले बैलेंसिंग हुई 25 सेंटीमीटर पे, क्या इक्वेशन बनेगी?
सपोज आपको यूं दिया जाए कि पहले बैलेंसिंग हुई 25 सेंटीमीटर पे, तो क्या इक्वेशन बनेगी? ये 75 है, वो क्रॉस किया क्रॉस तरह से, R1 into 75 is equal to R2 into 25. लेकिन ये तो एक ही इक्वेशन बनी और वेरिएबल तो दो हैं आपके पास, तो ऐसे में ना एक और इंफॉर्मेशन देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे यूं दिया कि व्हेन अ 10 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद R2, व्हेन अ 10 ओम रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद R2 द बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स बाय 5 सेंटीमीटर। मान लो मैं यूं कह रहा हूं कि अगर मैं इधर 10 ओम पैरेलल में लगाऊं तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट्स बाय 5 सेंटीमीटर। अब वो बाय 5 सेंटीमीटर 25 का 30 पे ले जाना है कि 20 पे, तब बात बनेगी। ये समझ आए तुम्हें? बताओ कोई जवाब देने आपको, या तो 25 से 20 पे गया हो या 25 से 30 पे। हाँ ये इधर पैरेलल में लगाएंगे। सोल्व हो जाएगा बाद में, आप बस ये बता दीजिए कि ये 25 से 20 पे गए हैं, 25 से 30 पे गए हैं। अरे आप सब सोल्व कर रहे हो, मुझे इस बात का जवाब दो, मतलब मैं केवल ये पूछ रहा हूँ ये 25 से 20 पे जाना चाहिए कि 25 से 30 पे जाना चाहिए? 25 से 30 पे। देखते हैं, इधर सुनो, आपको यूं सोचना होता है इधर पैरेलल में लगाया है कि सीरीज में। देखो बड़ा आसान है सोचना, पैरेलल में लगाया है तो ओवरऑल वैल्यू रेजिस्टेंस की कम होती कि ज्यादा? कम। प्रोडक्ट सेम रखना है, तो अगर इधर ये वैल्यू कम होती है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा करनी पड़ेगी। ज्यादा कब होगी? जब ये 25 से 30 पे बैठे। समझ आ रहा है? अगर यही सवाल, अच्छा चलो फिर इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? अब ये लगाते ही हमें पता लग गया कि 25 का काम पहुंच गया 30 पे, और इक्वेशन बनेगी R1 into 70। ये 70 कहां से है? ये बराबर इधर होता, क्या इक्वेशन बनेगी? R2 into R2 into 10 upon R2 plus 10 और into 30, मतलब इसको इकट्ठा कर लेना है। अब तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन सोल्व हो ही रहा होगा आराम से, क्लियर? अगर इस सवाल में यूं होता दूसरी इक्वेशन में बस फर्क आएगा, पहले तो सेम है। अगर इस सवाल में यूं होता, पूरा सोल्व मत करो ये कर लेंगे आप, जो मैं पूछ रहा हूं उसकी इक्वेशन बताना, इसको हटाओ, ये हो गया। टेन ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर वन, एक मिनट एक मिनट, टेन ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आर वन और बैलेंस पॉइंट शिफ्ट बाय 5 सेंटीमीटर, तो 30 पे गया कि 20 पे? 30 पे जाएगा, क्योंकि वो आर वन में लगाया। मैंने आर वन में, इधर वाले में 10 ओम सीरीज में लगाया, तो ये बढ़ गई तो वो लेंथ घटनी चाहिए, वो घटेगी तब जब वैलेंस पॉइंट उधर से। समझ आ रहे हैं? और फिर उसकी इक्वेशन क्या बनेगी? R1 plus 10 सीरीज वाला into 70 बराबर R2 into 30 जो भी है। तो मीटर ब्रिज पे किस किस तरह की चीजें आती हैं, क्या समझ आ गया आपको? हाँ भाई क्लियर है ना सभी को? ठीक है, मीटर ब्रिज पे तो इसी टाइप के ही सवाल आते रहते हैं। अब मैं एक बार आपको बुक से बता देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन हो, आप अपने ट्राई करना मीटर ब्रिज पे। क्वेश्चन नंबर 3.9 है, एग्जांपल 3.9, क्वेश्चन 3.10 है। हाँ सही है, हाँ देखो क्वेश्चन 3.10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3.10 निकालो एक बार किताब में, 128 पेज पे है, और ये डायग्राम कह रहा है वही अंदर वाले ही देखो 3.27। सुनो बातें नहीं है, एक बार सुनिए। ए पार्ट मिल गया है सवाल आपको, इन अ मीटर ब्रिज, फिगर पीछे दिखा रखा है पेज नंबर 120 पे है फिगर,
The balance point is found to be at 39.5 centimeter from end A when the register S is of 12.5. उसमें नाम उन्होंने S दे रखा है. Determine the value of R. ये तो हो जाएगा. ये तो केवल घटाना है 100 में से और मल्टीप्लाई करना है क्रॉस. आपको मीटर में भी नहीं बदलना, सेंटीमीटर में. चलो हो जाएगा ये तो फर्स्ट पार्ट. सेकंड ना इसी में आगे. Why are the connections made of thick copper strip? ताकि उनकी रेजिस्टेंस टेंड्स टू जीरो हो जाए और वो कनेक्टिंग वायर का काम कर सके. ठीक है. उसके बाद डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ आर एंड एस आर इंटरचेंज. आर और एस इंटरचेंज कर दोगे तो जो 100 में से घटा के लिखा है ना वो इधर आ जाएगा. चेंज होगा जैसे कि मतलब कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन ये बताना है कि पहले बैलेंस लेंथ अगर 39.5 थी अब 60.5 हो जाएगी. समझ गए हो ना क्या बतानी. उसके बाद व्हाट हैपेंस इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज्ड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज. वुड द गैल्वेनोमीटर शो एनी करंट. अब ये कह रहा है कि यहां तो बैटरी लगा दी जाए. ठीक है, बिल्कुल उतनी लेंथ पे कनेक्ट कर दिया जाए जहां बैलेंसिंग मिली, और नीचे क्या कनेक्ट कर दिया जाए गैल्वेनोमीटर. तो क्या वो रीडिंग शो करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? दोनों तरीके से नहीं होगा तो फिर तो रीडिंग दिखा ले तो रीडिंग तो तब नहीं दिखाएगा तो रीडिंग नहीं दिखाएगा. देखो इधर इधर सुनो एक बार, समझिए इस चीज को. ये R1 है, अरे इस साइड ध्यान दो, ये R1 है, ये R2 है, ये आपका R3 है, और ये आपका ये वाला है आपका R2. आपने ये पॉइंट फिक्स कर दिया. अब मैं कुछ बदलाव कर रहा हूं. मैं एक बार टर्मिनल से नाम डाल दू. सपोज ये टर्मिनल A है, बस यहीं तक है, और ये बैटरी तक भी गया A. ये टर्मिनल B है, या भी ये टर्मिनल C है, और ये जो की वाला टर्मिनल J D. ठीक है. अब एक बात सोचिए, क्या बस मुझे ये देखना है कि बाद में भी बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा भी कि नहीं. अगर रहेगा ना बाद में बैलेंस तो कोई रीडिंग नहीं आने वाली. ये कह रहे हैं कि यहां तो क्या कनेक्ट कर दो गैल्वेनोमीटर और यहां पे सेल. क्या अब भी वही दो दो तीन तीन वाली बात बन रही है? देखते हैं. अरे देखो इधर सुनो, एक रेजिस्टेंस हमारी ये थी आर थी. ये कितने टर्मिनल से कितने रजिस्टर से जुड़ा है? तीन. दो. एक दो बैटरी वाला इंक्लूड नहीं करते. पहले तीन से जुड़ा था, पहले आर जी भी इंक्लूडेड था. अब ये सी कितनों से हो गया? दो से. डी से दो. ये तो बैटरी है. मैं सोची वो गैर इधर आओ. ए ए को देखते बताओ ए कितनों से जुड़ा है? आर थ्री से, R1 से और R3 से. ये कितनों से जुड़ा है? 3 से. और B R2 R4 और R3. तो क्या फिर दोबारा 3 3 2 2 हो गया? लेकिन अब 2 2 वाले देखो, 2 2 वाले अपनी बैटरी के पास पहुंच गए और 3 3 वाले के अंदर के पास, कोई फर्क ही नहीं पड़ा. पीछे देखो एक बार क्या आंसर इसने कुछ एक्सप्लेन किया है, किस तरह से दिया है, कौन सा सवाल है. 3.10 देख लो आप एक बार क्या आंसर लिखते हैं. वही मैं सीधा ही लिखा है, तो गैल्वेनोमीटर विल शो नो करंट. अच्छा आप सुनिए, ये भाई बुक तो बंद करो. ठीक है, मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर कल करेंगे. अब हम 5 मिनट इनसे बात भी तो करें. ये स्पेशली आपके लिए दोबारा आए हैं. कल कुछ बच्चों से जो मिल पाए थे कुछ से नहीं. आ गया हो ये पल माला है आपके लिए आई थी ना. लो भाई अपने पहना लेते हैं, इधर आओ. अरे क्लैपिंग तो कर रहे हैं. अब इधर सुनो, आप शोर दिख रहे हैं बिल्कुल भी. देखो आप में से अगर कोई बच्चा इस तरह से कुछ चीज अचीव करता है तो हमारे अंदर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए. कई तो जल कूद जाते हैं, कई तो वैसे ही बच जाते हैं.
वो नहीं होना चाहिए, कारण ये है। अरे कारण ये है, इसने मतलब ऐसा थोड़ी किया कि इस बैच में टॉप किया है, तो भाई थोड़ी जलन भी हो जा रही है। अब से आगे क्या है, ये अब एक नेशनल लेवल पे एक अलग जगह पे है, तो आप लोगों के पास अभी पूरा मौका पड़े 11 12 की समाप्ति की तरफ आप, और इसी टाइम है जो कुछ अचीव करना है। ठीक है भाई, आप ये बताओ, जस्ट अपने ही बारे में बताओ, पहले एजुकेशन कहाँ कहाँ हुई आपकी? पहले गवर्नमेंट स्कूल में था, करीराम, पहले गवर्नमेंट स्कूल करीराम पढ़े, कौन सी क्लास तक? एक मेरा दोस्त है प्रवीण नाम उसका, प्रवीण लुहाना से, तो क्या थे कि उनका छोटा भाई जूनियर ही था हमारा, मैं डीएवी स्कूल में पढ़ा हूँ तो जूनियर था वो, डीएवी तो वो जैसे क्या था, जब हम थोड़ा सिक्स सेवन्थ में हो गए होंगे, ऊपर भी आया और मेरे से मेरी किताबें उठा ले गया, एटलस होती थी उस समय अच्छी अच्छी, मेरा मन कर भी रहा था नहीं भी कर रहा देने, ऊपर वो बोले मेरे भाई को तैयारी करनी है, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ले जाए, उस समय आधा मन था किताब देने का आधा नहीं था, लेकिन उन्होंने ले गया, परंतु उसका इतना, उसके भाई ने इतने अच्छे से तैयारी की, इनके स्कूल से, इनका तो सीनियर है काफ़ी, इनके स्कूल से मतलब वो सेलेक्ट हुआ उस समय, और विद 12th वो अभी इंडियन आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और वो हस्बैंड वाइफ दोनों ही इंडियन आर्मी में, इस तरह का काम दोनों लेफ्टिनेंट हैं वहाँ पे। तो मैं ये नहीं कह रहा आप भी ढूंढ लेना, ये खुश हो गए बीच में ही क्या हो गया, तो अच्छी बात होनी नहीं। उसके बाद अब इधर आओ, उसके बाद सैनिक स्कूल में ही थे आप इतने साल से, है ना, मतलब वहाँ कितने परसेंट बच्चे 12th के साथ सेलेक्ट हो जाते हैं आपके 12th के बैच से इसमें एनडीए में? 8-10 बच्चे हो जाते हैं, और है कितना 60 में से 8-10 हो पाते हैं, तो यूं मानो कि वो जो 60 बच्चे जब जाते हैं ना सैनिक स्कूल में, उनका टारगेट ही ये होता है, यही होता होगा स्टार्टिंग में, तो वो 10th तक आते आते थे कुछ विचार बदलने के बाद, स्टार्टिंग में तो यही रहता है उनका टारगेट कि क्या करना है क्या नहीं, तो वहाँ पे कुछ अलग से तैयारी करवाई जाती है इनकी एनडीए की? 12th क्लास में होती है बस 2 महीने नहीं, उससे पहले जैसे आपने एसएसबी बोर्ड में वो इंटरव्यू क्लियर किया, वो सर को करिकुलर एक्टिविटीज इतनी हो जाती है, क्या अलग से कोई तैयारी की थी इसकी एसएसबी के लिए? एसएसबी के लिए गया था हमारा, कब? ग्राउंड क्लास के लिए पीछे गया, अभी जब बीच में आप गए थे, मतलब तैयारी करने के लिए? हाँ, वो 7 दिन का था, जस्ट एक्सपोजर था कि क्या क्या होना है वहाँ। ठीक है, ये एसएसबी इंटरव्यू देना भी, जैसे हमारे कनीना से एक सीनियर थे हमारे कैप्टन मनोज, अब तो कैप्टन ही मेजर है, मेजर से भी ऊपर बन गए तो मुझे नहीं पता है, लास्ट टाइम मेजर पोस्ट पे थे वो, एनडीए के थ्रू नहीं, वो उन्होंने वेटनरी सर्जन का कोर्स किया था, और वेटनरी सर्जन में अपने एचएल यूनिवर्सिटी में साइड ऊपर रहे हूँ, तो डायरेक्ट ही शायद उनका एसएसबी के लिए कॉल आ गई थी इस तरह से, और वो जो लोग हैं वो लेफ्टिनेंट नहीं डॉक्टर सीधे शायद कैप्टन पोस्ट से ही स्टार्ट हो रहे थे। एक ऑप्शन और है सर, टेक्निकल एंट्री 12th में जिसकी अच्छी परसेंटेज आती है वो बिना रिटन एग्जाम डायरेक्ट एसएसबी अपीयर कर सकता है, उसमें हाइट भी नहीं चाहिए पूरी, हाइट तो सर नॉर्मल होती है, फिर भी जैसे कई बार कमी पड़ जाती है तो उसमें टेक्निकल एंट्री में शायद सीधी इंटरव्यू हो जाती है, वो अच्छा ऑप्शन है टेक्निकल एंट्री का भाई। जो मैं देखो, मैं इसीलिए इतनी बात कर रहा हूँ आप सबके लिए ही, ऐसा है कि अपना जो एरिया है जिस तरह का यहाँ लोकेशन है, मतलब एक फर्स्ट प्रायोरिटी पेरेंट्स की भी बच्चों की भी रहती है कि भाई कोई एक ठीक ठाक सी जॉब मिले, और खासकर ये इंडियन आर्मी और इस तरह की जॉब मिले तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, आप ऑफिसर बनते हो बहुत अच्छी बात है, ज्वाइन करने के बाद में वो ट्राई कर सकते हो, ऑफिसर बन सकते हो। अब अगला इंडिया वाला टेस्ट कौन कौन दे रहे हैं? रिटर्न 1 2 3 आपने दिया था पिछला, अगला नहीं दोगे? ठीक है, पूरी तैयारी करके ही देंगे इनको। ये बताओ रिटर्न कैसे क्लियर हुआ, उसके लिए क्या कुछ? सर रिटर्न के लिए 11th 12th की मैथ्स 60 क्वेश्चन 11th की मैथ्स से आते हैं, 60 12th की मैथ्स से आते हैं, और मैथ्स की कट ऑफ अराउंड 30-40 क्वेश्चन के बीच रहती है, 120 क्वेश्चन के लिए एक बार सुन गया आराम से, और उसके अलावा एक गेट का पेपर होता है, उसमें 10th लेवल के आते हैं सब, साइंस एस एस
टेन तक की आती है। साइंस इंग्लिश इंग्लिश का पार्ट होता है ना, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन होते हैं हमारे 50 से, उसमें जस्ट पासिंग होना होता है, जस्ट क्वालीफाइंग है मतलब इस तरह का। तो थोड़ा इनको ना सीरियसली लेना चाहिए यार आप लोगों को ये सारी चीजें, बिकॉज आप और किसी चीज में जाओगे 5 साल 4 साल बाद आपको पता लगेगा आप कुछ कर पाए या नहीं कर पाए। इवन सी आई आई टी में चले जाओ तब भी 5 साल बाद 4 साल बाद दिखता है कि ये क्या करके आए क्या नहीं। ये लोगों का अभी से ही हो जाता है 7 साल, मुझे लगता है इनका JNU से शायद BSc और ये कोर्स भी चलते रहते हैं ना। JNU किसी की भी ग्रेजुएशन कोर्स BSc वाला नहीं करवाते, लेकिन इन ऑफिसर्स का तो करवाया ही जाता है। आईआईटी में जाने का एक बार हाथ ऊपर करो अब तो ऐसा है अब इन्होंने बताया, मेरे को सच में नहीं पता था कि नेवी में आईआईटी खड़गपुर से बीटेक है। तो भी वहाँ पर परफॉर्मेंस के हिसाब से अच्छी आईआईटी मिल जाती है। तो ना आप अब एक आईआईटी बन जाओगे साथ साथ? नहीं सर, वो रहेगा नेम है एज फ्रॉम नेवी। नहीं, आईआईटी तो बन जाओगे, डिग्री तो वहाँ से। चलो यार ये तो डबल अचीवमेंट है इस तरह से, एक आईआईटी वाला टैग भी मिलेगा और साथ में इंडियन नेवी के ऑफिसर भी होंगे। तो अब भाई कब जा रहे हो, कल या 2-4 दिन? परसों जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, ठीक है, फिर कभी मुलाकात होगी। इन बच्चों को भी थोड़ा समझा देना आप लोग मिलो, और ये मिठाई आप ही करो डिस्ट्रीब्यूट। अरे ना, चलिए ठीक है, थैंक यू। इसको तो मैं बंद कर दिया।